उसका खास कार्यक्रम इजलाज और मैं हूँ आपके साथ पृषता इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा थम जाइए खुद के लिए समय निकालिए और जिम जाइए जी हाँ बिल्कुल आज हम बात करेंगे कि इस हेडेक वाली लाइफ में वर्कआउट आपके लिए कितना ज़रूरी है और फिज़िकल फिट रहने के लिए कितनी ज़रूरत है वहीं लॉकडाउन की बात करें तो सभी जिम इस दौरान बंद थे लेकिन कई लोगों ने खुद को फिट रखने के लिए घर पर ही एक्सरसाइज की वर्क वर्कआउट किया लेकिन घर पर जिमिंग करना कितना सही है क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए उस दौरान वहीं इस दौरान अपनी सही डाइट लेना कितना ज़रूरी है इन सभी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं जिम ट्रेनर और बॉडी ड्रिम्स जिम के संचार स्वदेश रजवानी बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश आपका और आज हम बात करेंगे फिजिकल एक्सरसाइज पे जिम के बारे में जिम कितना जरूरी है तो शुरू से शुरू करते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज फर्स्टली बेसिक चीज से कितना जरूरी है किसी के लिए भी मैम फिटनेस आज की डेट में हर बंदे के लिए जरूरी है लॉकडाउन होने से आ, ये हुआ है कि कई लोग जो हैं थोड़ा सा डर भी गए गवर्नमेंट को ज़्यादा डरा भी दिया इस मामले में फिटनेस uh, बहुत जरूरी है इम्यूनिटी की बात हो रही है लेकिन इम्यूनिटी के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है uh, अगर आप इंडोर वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आउटडोर वर्कआउट कर सकते हैं मैक्सिमम लोग जो हैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं अभी जिमिंग को उन लोगों में डर बना हुआ है बट जिम जिम में जितनी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जा रही है मुझे नहीं लगता कहीं और की जा रही है आप मार्केट में देख सकते हैं कई लोग यहाँ वहाँ घूमते हुए दिख जाएंगे विदाउट मास्क के बिल्कुल लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है प्रॉपर तरीके से जिमिंग में ही हो रही है और फिटनेस तो हमेशा से मायने रखती है अब तो डब्ल्यू एच ओ ने भी बोल दिया है कि जब तक तो आप वर्कआउट करेंगे तो ही आपको बेनिफिट होगा आपका इम्यूनिटी हार्ड रहेगा तो आप मैक्सिमम वर्कआउट करने से ही अपनी इम्यूनिटी को हार्ड कर सकते हैं और इसके लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिल्कुल डाइट के बारे में भी आगे बात करेंगे हम वही लॉकडाउन की बात करें तो इस दौरान जिम तो सारे बंद रहे लेकिन लोगों ने घर पर भी वर्कआउट किया तो घर पर जो वर्कआउट होता है और जिम में जो वर्कआउट होता है उसमें क्या डिफरेंस है घर में लोगों को वर्कआउट करने के लिए क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए वैसे तो घर में अगर आप वर्कआउट कर भी रहे हैं तो किसी के गाइडेंस में करें तो ज़्यादा अच्छा है ताकि आपको इंजरीज नहीं हो पाए अभी मैं मैक्सिमम क्लाइंट्स को देख रहा हूँ कुछ ना कुछ इंजरी लेके ही आ रहे हैं विदाउट इंजरी के कोई आ ही नहीं रहा है तो फिर उनको बताना पड़ रहा है कि आपका पोस्चर गलत था आपने डाइट सही नहीं लिया न्यूट्रिशन में मैक्सिमम प्रोटीन डाइट ली जाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल है मसल ग्रोथ के लिए और जो है आपके माइंड को कूल रखने के लिए बहुत ज़रूरी है आ, लोग डाइट नहीं करते हैं वर्कआउट करते जाते हैं करते जाते हैं फिर बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहे हैं इसमें उनकी भी गलती है एक्चुअली लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन का नॉलेज नहीं है अगर वो प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान रखें आजकल तो यूट्यूब वगैरह पे हर चीज अवेलेबल है बिल्कुल तो वो अगर उस चीज को फॉलो करते हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल है बिल्कुल तो जैसा कि आपने बताया कि इंजरीज होने का डर रहता है तो घर पे जिमिंग करना खतरनाक है ये बात आप मानते हैं खतरनाक नहीं है लेकिन मैक्सिमम लोगों को लोअर बैक की इंजरी होती ही होती है

खुद की बॉडी बनाने के लिए एक्सेस वर्कआउट भी कर लेते हैं तो ये उनकी बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है हाँ अगर एक्सेस वर्कआउट आप कर रहे हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ नहीं जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा बिकॉज आपकी मसल्स को रिकवरी चाहिए मिनरल्स चाहिए प्रोटीन्स हुँ, चाहिए हुँ, तो सबके मिश्रण से ही आप परफेक्ट फिजिक को बना सकते हैं uh, अगर आप सिर्फ वर्कआउट कर लें और उसके बाद बोले नहीं सब कुछ हो गया तो ऐसा नहीं होगा और जिमिंग में न्यूट्रिशन ज़्यादा लगता है अगर आपको मसल बिल्डअप करना है तो बहुत जरूरी है uh, कई लोग जो हैं अभी रनिंग करना प्रिफर कर रहे हैं अच्छी बात है नो no डाउट लेकिन अगर आप ट्रैक पे रनिंग कर रहे हैं तो इस चीज़ का नॉलेज रखें कि आपके घुटनों में आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगी तो कोशिश करें कि रनिंग आप कर भी रहे हैं तो ग्राउंड वगैरह में करें ताकि आपका जो है फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए डाइट की बात करते हैं क्या डाइट प्लान्स होने चाहिए बेसिक अगर हम अगर बात करते बेसिक की बात करें तो अगर आप जिमिंग नहीं जा रहे हैं तो अपना न्यूट्रिशन आप घर पे भी कर सकते हैं ये मैटर नहीं कर रहा आप सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं या नहीं अगर आपका इंटेंसिटी हाई वर्कआउट है तो आप न्यूट्रिशन पे ज्यादा फोकस कीजिए अगर आपका इंटेंसिटी हाई नहीं है तो आप नॉर्मल डाइट लीजिए प्रोटीन कीजिए सुबह का नाश्ता भरपेट कीजिए दिन में थोड़ा सा को कम प्रोटीन इंटेक हाई कीजिए और रात में हो सके तो कार्बोहाइड्रेट को कम करके पूरा का पूरा प्रोटीन में डिफ्लेक्टेड कर दीजिए तो इससे क्या होगा कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे मोस्टली सेलिब्रिटीज भी यही प्रेफर करते हैं उन लोगों के सुबह के वर्कआउट से लेकर रात के वर्कआउट तक में पूरा का पूरा जो उनका डे है पूरा बैलेंस रहता है वो हर एक सेकंड का कैलकुलेशन निकाल के चलते हैं कई लोग जो फिटनेस में हैं वो लोग भी दिन भर का कैलकुलेशन और डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है अगर आप कुछ गलत भी कर रहे हैं नशे वगैरह कर रहे हैं अगर आपकी डाइट सही है आपका न्यूट्रिशन सही है आपका वाटर इंटेक हाई है तो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी और फ्यूचर में कभी भी कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल अक्सर हम ये सुनते हैं कि अगर आप जिम जा रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको अल्कोहल को उस टाइम पे अवॉइड करना है हाँ एल्कोहल को अवॉइड करना है लेकिन कई लोग हैं जो अपनी आदतें नहीं छोड़ पाते हैं तो उन लोगों के लिए भी अगर अपन एक बैलेंस डाइट बना दें तो उनको अगर वो एल्कोहल एक लिमिट मात्रा में ले रहे हैं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है आ, अगर आप ले रहे हैं सिक्सटी एम वीक में दो बार तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन उसमें टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है सपोज अगर आप लेट नाइट में ले रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम देगा लेकिन आप जल्दी ले ले रहे हैं छः सात बजे तक इवनिंग में तो आपके लिए बेनिफिशियल है वो आपकी बॉडी कंज्यूम कर लेगी लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एल्कोहल की तरफ डाइवर्ट हो जाए आप मैक्सिमम जितना हो सके अपने न्यूट्रिशन को हाई रखें तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपकी बॉडी जो है कभी डिहाइड्रेट नहीं होगी एल्कोहल से क्या है बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है फिर उसके बाद जाए आदमी अनशन खाने लगता है जैसे सपोज फैट की चीज़ें ज्यादा खाने लगेगा आलू ज्यादा खाने लगेगा चावल ज्यादा खाने लगेगा क्योंकि उसको लगता है कि बस मेरा जो इंटेस्टाइन है उसको मैं फुल कर दूँ तो मैं सही हो जाऊँगा लेकिन ऐसा नहीं है अगर उसमें भी अगर आप डाइट प्रॉपर रखेंगे सैलड वगैरह ऐड करेंगे तो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है और डिटॉक्स करने के लिए भी फायदा है बिल्कुल बेसिक डाइट की हम बात कर रहे थे

ओट्स में टाइम कंज्यूम होगा या मुझे जल्दी जल्दी जाना है फिर मुझे ऑफिस भी भागना है हुँ. तो उसके लिए आप अच्छा होगा कि डाइट के आ, में आप ओट्स के साथ में कॉर्नफ्लेक्स भी ले सकते हैं आपके पास और टाइम नहीं है तो आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं ग्रीन टी के साथ आप मल्टीग्रेन बिस्किट्स भी खा सकते हैं okay. उससे क्या होगा थोड़ा सा बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जाएगा कार्ब्स के जाने से क्या है आपका वर्कआउट इंटेंस टाइम बहुत हाई रहेगा इंटेंसिटी हाई रहेगा आपको वर्कआउट करने में भी मजा आएगा और आफ्टर वर्कआउट जो है आप आ, प्रोटीन की डाइट भरपूर मात्रा में रखिए एक चीज का ध्यान रखिए तीस मिनट के अंदर प्रोटीन ले लीजिए उसके बाद जो है फोर्टी फाइव मिनट बाद आप अपनी काफ्स लोडिंग या खाना खा सकते हैं ये इसलिए होता है बिकॉज आपकी मसल्स जो है आप अगर जिम वगैरह भी कर रहे हैं या सपोज आप कुछ भी वर्कआउट कर रहे हैं तो आपकी मसल्स टिश्यू ब्रेकडाउन होती है okay. उस ब्रेकडाउन को रिकवरी देना बहुत जरूरी है वरना आपका पूरा का पूरा दिन खराब जाएगा okay. इसीलिए उस रिकवरी को आप प्रोटीन से पूर, पूरा पूरा कीजिए मिनरल्स वगैरह अगर आप सप्लीमेंटेशन में फिश ऑयल वगैरह लेते हैं या अलसी वगैरह खाते हैं आप नेचुरल जाना चाह रहे हैं तो अलसी वगैरह खाते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं बिल्कुल अगर हम घर पे देखें तो अक्सर लोग जिमिंग नहीं करते हैं लेकिन फिर भी खुद को फिट रखने के लिए कोई ना कोई नुस्खे अपनाते रहते हैं कि जैसे सुबह बात करें तो मॉर्निंग में वार्म वाटर के साथ हनी कई लोग लेते हैं नींबू पानी कई लोग लेते हैं तो ये कितना सही है ये अच्छा है बेनिफिट है डिटोक्सीफिकेशन का काम करता है आप उसकी जगह एप्पल सीडर विनेगर भी ले सकते हैं अगर आपको डिटॉक्स करना है बॉडी को और स्किन में ग्लो चाहिए तो आप वो कर सकते हैं नींबू पानी तो आप दिन भर लें तो ज़्यादा अच्छा है बहुत अच्छा है आ, नाइट में अगर आप कभी भी गलती से गलत खा लेते हैं मैक्सिमम हो जाता है ऐसा तो आप क्या है नीबू पानी जो आपकी डाइट में पूरा आपका सोने का टाइम है आधा घंटा पहले नीबू पानी ले लीजिए तो अगर आपने कुछ गलत भी खाया है तो पूरा का पूरा फ्लश आउट हो जाएगा बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी आप बिल्कुल अगर हम चाय की बात करें तो आजकल कई तरह की अलग अलग चाय मिलती है ब्लैक टी बात करें हम ग्रीन टी की बात करें और नॉर्मल जो अक्सर हम पीते हैं तो क्या इन सब में डिफरेंस है और क्या इनके फायदे है मैम ब्लैक टी तो जितना हो सके अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा आप ग्रीन टी पे ज़्यादा प्रेफर करें वो इसलिए बिकॉज ब्लैक टी बॉडी के अंदर जो है एसिडिटी क्रिएट करती है एसिडिटी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है okay. और दूसरा वो आपकी भूख को भी मार देती है आपका मेटाबॉलिज्म लो कर देती है okay. ये एक तरीके का एडिक्शन है जो आपको पता नहीं चलता है धीरे धीरे आपको आदत हो जाती है फिर आपको लगता है नहीं यार सर दुख रहा है बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है सर okay. तो उसके लिए है ये है कि आप ग्रीन टी प्रेफर करें और ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है आजकल इम्यूनिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है तो ग्रीन टी आप लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा आ... या आप ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं बिल्कुल आ, वहीं अब हम जिम की ओर चलते हैं एक्सरसाइज की ओर चलते हैं कि जिम में बहुत सारे सारेमेंट्स देखने को मिलते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स की अलग अलग एक्सरसाइज होती है तो डिटेल में मैं आपसे जानकारी चाहूँगी डिटेल में मैम किस तरीके का यानी कि आ, ये जरूरी नहीं कि आप जिमिंग ही करें आप मोबिलिटी वर्कआउट भी कर सकते हैं घर में अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो टीआरएक्स करके एक रोप की तरह होता है okay. आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं या घर में अगर आपके पास ईट वगैरह है तो आप उससे भी वर्कआउट कर सकते हैं डिप्स ले सकते हैं तो आप पूरा फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं लेकिन मेरा मानना है कि, कि किसी के गाइडेंस के अंदर करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा बिकॉज uh, उसमें इंजरीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं मोबिलिटी वर्कआउट मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता कभी भी आप जिम डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कीजिए पहले दो या तीन दिन आप मोबिलिटी वर्कआउट कीजिए क्योंकि हर एक की बॉडी का पोस्चर अलग है तो उसके पोस्चर को ज्वाइंट्स को ओपन करना बहुत जरूरी है तो मोबिलिटी वर्कआउट से क्या है कि आपके जॉइंट ओपन हो जाते हैं और वर्कआउट करने में फिर आपकी स्ट्रेंथ बनी रहती है और आपको करने में भी मजा आता है बिल्कुल वर्कआउट में क्या-क्या एक्सरसाइज करना जरूरी है ताकि आपकी बॉडी में फ्लेक्सीबिलिटी आ जाए तो uh, अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी तो आप ज्यादा मैक्सिमम अगर गलती से पुशअप्स कर लेते हैं आप वेट्स भी ज्यादा कर लेते हैं तो आपकी बॉडी ज्यादा पेन नहीं करेगी बिकॉज आपकी बॉडी को उस चीज की आदत हो चुकी होगी

Okay. इसको आपके फैट से कोई रिलेशन नहीं है आ, आपके जो ब्रीदिंग है उससे ही आपकी बॉडी से फैट लॉस होता है हुँ. ये नई स्टडी के हिसाब से पता चला लोगों को लगता है कि मेरी बॉडी से स्वेटिंग ज्यादा हो रही है हुँ. तो मेरा फैट बर्न हो रहा है नहीं, नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है आपकी ब्रीदिंग अगर प्रॉपर है अगर आप जैसे कोरोना काल भी चल रहा है तो अगर आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है एकदम क्लियर है तो आपको कोरोना भी नहीं होगा तो आप प्रॉपर अपना ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में सही रखें ओटू लेते रहें ओटू में आप पानी वगैरह तो पी सकते हैं ये तो बहुत नेचुरल सोर्स है इसमें आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हम्म, वहीं आगे अगर बढ़ते हैं तो बॉडी बिल्डअप करने के लिए बहुत सारी और एक्सरसाइज की जाती है और आप करवाते भी हैं अपने जिम में तो उसके बारे में कुछ बताइए मैगजिमम uh, uh, लोग जो हैं वो लेग्स को अवॉइड करते हैं hmm. अगर आप अपनी बॉडी में लेग्स को प्रॉपर एवरीडे भी करें सपोज अगर आप भी ऑफिस जाने से पहले आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है hmm. अगर आप लेग्स के वर्कआउट कर लें तो आपकी बॉडी हमेशा अप रहेगी शेप में रहेगी okay. और बॉडी में कभी भी बैलीफैट नहीं आएगा मैक्सिमम फीमेल्स को बैलीफैट बहुत जल्दी आता है uh, आप अपनी डाइट प्रॉपर रखिए और स्क्वाड्स वगैरह कर सकते हैं लंजेस वगैरह आप एवरीडे कर सकते हैं उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बॉडी में क्या है फैट भी नहीं आता और ये इसमें

कई लोग ये हैं कि जोश में आके जिम तो ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन फिर वो एक दूसरे को देख के फॉलो करते हैं और वर्कआउट कर लेते हैं ऐसा कभी भी नहीं करें हमेशा गाइडेंस में वर्कआउट कीजिए अगर आप गलत कर भी रहे हैं तो अगर आपका उसमें न्यूट्रिशन सही है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी लेकिन आपका न्यूट्रिशन भी सही नहीं है फिर भी आप करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं तो एक टाइम के बाद आपको इंजरी हो जाएगी फिर आपको फिजियोथेरापिस्ट के पास जाना पड़ेगा जो मैक्सिमम हो ही रहा है आजकल बिल्कुल वही अगर हम बात करें अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बॉडी पार्ट फ्रैक्चर्ड हो जाता है तो डॉक्टर्स उसको फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं कि आप कुछ महीनों बाद जब ठीक हो जाए तो आप फिजियोथेरेपी करें जी। तो क्या फिजियोथेरेपी के साथ वो जिमिंग भी कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं जब अब सपोज आप मान लीजिए कि आपको किसी तरीके की इंजरी हो जा रही है तो आपको अगर उसकी रिकवरी करनी है तो जब तक आप उस पर स्ट्रेंथ नहीं डालेंगे तो आप कैसे उसको सही कर पाएंगे अब आप सोच रहे हैं कि मैं फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपी इज व्हाट? इट्स मोबिलिटी आप मोबिलिटी कब तक करेंगे एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन पांच दिन कब तक करेंगे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी तो आ गई है वो कम काम करना चालू कर दिया जैसे कल ही मेरे पास एक क्लाइंट आए थे तो उनके लेग में इंजरी हो गई थी उनको फिजियोथेरेपिस्ट ने एक साल से पता नहीं क्या करा रहा है वो एक ही तरीके की मोबिलिटी करा रहा है भाई आपका लेग तो वैसे भी वर्क कर ही रहा है ना लेकिन वो बोल रहे हैं जब मैं स्टेरस चढ़ता हूँ तो मुझे लेग में बहुत ज्यादा पेन करता है क्यों बिकॉज okay. उसमें स्ट्रेंथ नहीं गया है okay. जब उसमें स्ट्रेंथ जाएगा ही नहीं उसमें पावर आएगी नहीं तो वर्क कैसे करेगा मसल एक्चुअली okay. जो हमारी ह्यूमन बॉडी है अगर उसको प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करा जाए तो वो इंजर्ड हो जाती है और वह अपना काम करना भूल जाती है तो उसको बार बार याद दिलाना जरूरी है कि सर आपका काम क्या है आपका काम है इस तरीके से फंक्शन करना अपने आप को बिल्डअप करना तभी वो ग्रो करेगा बिल्कुल आजकल कर हम आम देखते हैं कि जो बैक पेन की समस्या है वो हर किसी में होती है जी। आ, वो जिमिंग के दौरान भी हो सकती है और एक्सेस वर्कआउट से भी हो सकती है और जिसके बैक में पेन होता है वो जिम करने भी आता है जी तो उसको कैसे आप टैकल करते हैं उसके लिए स्पेशल वर्कआउट होता है जो मोबिलिटी के अंदर है पहले तो आप बंदे के बॉडी को स्ट्रक्चर को एनालाइज कीजिए कि ये बंदे का स्ट्रक्चर सही है या नहीं है उसके बाद उसकी बॉडी में फ्लैक्शन uh, का मूवमेंट आप प्रॉपर uh, एनालाइज कर लीजिए अगर ये सही तरीके से फ्लैक्स कर पा रहे हैं तो आप उनको स्ट्रेंथ वर्कआउट कराइए वरना उनको बेसिक एक्सरसाइज उसी स्ट्रेंथ में दीजिए बैंड के द्वारा ताकि उसमें थोड़ा सा पावर आ जाए अगर वो पावर आ जाएगा तो फिर आप अपना स्ट्रेंथ पे जा सकते हैं आप डायरेक्ट स्ट्रेंथ पे कभी मत जाइए क्योंकि वो एक रिस्क फैक्टर है बिल्कुल वेट लॉस की बात करें हम यहाँ पर तो वेट लॉस के लिए कई सारे डाइट प्लान होते हैं आप देते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो फिफ्टीन डेज के या ट्वेंटी डेज में वो चेंज भी होते रहते हैं जी जी तो वो प्लान किस तरह से आप देते हैं क्या कुछ खाना पड़ता है क्या कुछ अवॉइड करना पड़ता है Uh, मेरा ये मानना है कि आप बैलेंस डाइट रखें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा हुँ. आजकल कीटो डाइट बहुत ज्यादा चल रहा है हुँ. कीटो ज्यादा फॉलो नहीं करिए अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो प्लीज जैसे हम लोग प्रोफेशनल्स हैं तो वी जस्ट फॉलोइंग कीटो डाइट बट वो भी वन मंथ और टू मंथ्स उससे ज्यादा नहीं बिकॉज उसके साइड इफेक्ट्स हैं आप एक दूसरे को देख के फॉलो तो कर लेते हैं कि बंदे ने वो किया उसने ये किया उसने ये किया चलो मैं भी यही फॉलो कर लेता हूँ लेकिन हर एक की बॉडी का लेवल अलग है हार्मोनल लेवल अलग है फिजिकल uh, लेवल अलग है तो वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं मेरी बॉडी को क्या सूट होता है अब किसी को ठंडा पसंद है कि तो किसी को गर्म पसंद है uh, किसी को मीठा पसंद है तो किसी को तीखा पसंद है तो उसी के हिसाब से आपको आप बॉडी को एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरी बॉडी कहाँ अच्छा रिस्पॉन्ड करती है अब अगर मैं फैट uh, लॉस के लिए कीटो डाइट पर चला जाऊँ तो वो बेनिफिट नहीं है आप इससे अच्छा बैलेंस डाइट लीजिए सब कुछ खाइए लेकिन आपको पता होना चाहिए किस टाइम पे क्या खाना है अगर आप हर चीज अगर फैट की चीजें अगर आप शाम को खा ले तो ऑब्वियस बात है कि लेट आएगा अगर आप वही चीज को अगर मॉर्निंग में खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म एकदम हाई होता है उस चीज को आराम से वो पचा लेगा लेकिन वो शाम के टाइम में अगर आप उस चीज को खा ले तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा इस चीज का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना तो जरूरी है तो कीटो डाइट में क्या डाइट ली जाती है क्या अवॉइड किया जाता है कीटो डाइट अलग अलग तरीके की होती है कई लोग फुल वेज के होते हैं कई लोग पूरे नॉन वेज की तरफ से चलते हैं हुँ. तो उसमें जो है आपको अपना जो है प्रोटीन इंटेक एकदम हाई रखना होता है okay. और साथ ही साथ जो है आपको अपना फैट परसेंटेज की चीज भी जाती है जैसे आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं मैक्सिमम मात्रा में हुँ. और मैक्सिमम मात्रा में आपको उसके साथ में जो है प्रोटीन भी रखना है हुँ. इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है तभी आपका फैट अच्छी तरीके से डिडक्ट हो जाएगा पंद्रह से बीस दिन लेगा वो ज़्यादा नहीं लेकिन क्या है बॉडी को अगर आप एक ही तरीके की डाइट एवरी दे रहे हैं तो एक टाइम के बाद जो है बॉडी में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है आपका हेयर लॉस का प्रॉब्लम सबसे पहले आता है okay. हेयर लॉस होने लगेगा स्किन में रेसेज आने लगेंगे तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है बिकॉज ज़्यादा एक सिमिलर डाइट को चलाना बॉडी के लिए अच्छा नहीं है बॉडी को एक संपूर्ण न्यूट्रिशन की जरूरत होती है तो वो न्यूट्रिशन बराबर मात्रा में हो तो आपके लिए भी अच्छा ही है

तो उसमें कहीं ना कहीं अगर आप एक कटोरी दाल भी ले रहे हैं तो उसमें सात ग्राम प्रोटीन आ रहा है तो दस, दस ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट फ्री में मिल रहा है आपको हुँ. पनीर खा रहे हैं तो सत्रह ग्राम प्रोटीन मिल रहा है आपको और उसके साथ में या छत ग्राम फैट मिल जा रहा है okay. तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत आती है बस यही है लेकिन ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन लोग फिजिक नहीं बना सकते हमारे पास जो मैगजिमम स्ट्रेंथ है वो वेजिटेरियंस लोग की है तो इस चीज़ को आप कैसे बैलेंस करते कि अगर किसी को बॉडी बिल्डअप करनी है एप्स बनाने हैं मसल्स बनाने हैं लेकिन पूरी वेज डाइट पे वेज uh, डाइट में फिर उसे प्रॉपर अपना जो है ओवरऑल डे का एक ग्राफ uh, बनाना होगा हुँ. और लिखना होगा कि वो कितने ग्राम कितना प्रोटीन ले रहा है सपोज अगर मुझे मसल बिल्ड करना है मेरा बॉडी वेट 80 के है तो हुँ. मुझे 160 ग्राम डबल बॉडी का डबल वन okay. सिक्सटी ग्राम प्रोटीन पर डे लेना होगा अब वो मैं किस तरीके से करता हूँ ये मेरे ऊपर है सपोज okay. uh, uh, मैं सुबह क्या पनीर खा रहा हूँ कितने ग्राम पनीर ले रहा हूँ फिर दो घंटे बाद क्या खा रहा हूँ अच्छा एक चीज का ध्यान रखिए हर दो घंटे में बैलेंस डाइट लेते रहिए Okay. फैट की चीजें मत खाइए तो आप हमेशा फिट रहेंगे लोग करते क्या इकट्ठा खाते हैं खाने को स्टोर कर लेते हैं अब स्टोर करके वो सोचते हैं अरे मैंने तो अपना खाना फुलफिल कर लिया है अब मैं ओवरऑल डे में काम कर सकता हूँ लेकिन ऐसा नहीं है आपकी बॉडी को एवरी डे प्रोटीन की जरूरत है अगर आप अपने बॉडी वेट के डबल जो प्रोटीन मात्रा देते हैं तो आपकी मसल्स बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं जैसे पनीर आपने खाया तो सत्रह ग्राम वहाँ से आ गया फिर दूध पी लिया तीन ग्राम वहाँ से आ गया तो आपको एक कैलकुलेशन लेके चलना पड़ेगा कि आज मैंने इतने दिन मैं इतना कार्बोहाइड्रेट लिया है इतना प्रोटीन लिया है इतने मिनरल्स इतने मिनरल्स लिए सप्लीमेंट्स लिए तो, तो ज्यादा ज्यादा से टाइम ता, ता, आपको जिम ट्रेनिंग पे देना पड़ता है अपनी डाइट पे देना पड़ता है लेकिन अगर जो वर्किंग है जो इतना समय नहीं निकाल पा रहे कि हर चीज का कैलकुलेशन करे या क्या डाइट उन्हें लेनी है तो उसके लिए क्या किया जाए उसका उपाय बताइए मैम मैक्सिमम लोग मेरे पास मीडिया के ही हैं जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है वो टाइम नहीं दे पाते लेकिन वो फिटनेस पे बिल्कुल ध्यान रखते हैं बिकॉज़ दे uh, नो कि वो ग्लैमर इंडस्ट्री में जो दिखता है वो बिकता है बिल्कुल तो सीधी सी बात है अगर आपके लुक्स अच्छे नहीं है अपनी डाइट पे आपका बिल्कुल फोकस नहीं है तो आपके लुक्स भी अच्छे नहीं होंगे तो अगर आप ज़्यादा नहीं आपके पास टाइम नहीं है आप स्क्वाट्स कीजिए आप लेग्स की एक्सरसाइज कर लीजिए बीस मिनट तो कोई भी इंसान दे सकता है आजकल 20 मिनट पबजी खेलने में लग जाते हैं लोगों को या फोन कॉलिंग में लग जाते हैं तो उससे अच्छा है कि 20 मिनट का वर्कआउट आप कर लें फिट रखें अपने आप को और दूसरा डाइट को बैलेंस रखें हर दो घंटे में थोड़ा 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 न्यूट्रिशन लेते रहें नट्स वगैरह लेते रहें काप्स थोड़ी मात्रा कम रखें फैट अवॉइड करें आप हफ्ते में एक दिन खुल के डाइट कीजिए okay. आपको जितना हो सके फैट की चीजें खाई लेकिन हफ्ते में एक दिन लेकिन छह दिन जो है आप अपने लाइफ को डिसिप्लिन में रखिए जिस तरीके से आप सुबह उठते हैं ऑफिस जाते हैं और रात को सोते हैं आई वो डिसिप्लिन है एक दिन वीकेंड में आपको छुट्टी मिलती है आप दबा के उस दिन खा लीजिए लेकिन बाकी डेज जो है वो आप अपने डाइट को न्यूट्रिशन बैलेंस के साथ रखें तो आप हमेशा फिट रहेंगे और ग्लैमरस रहेंगे बिल्कुल वहीं प्रोटीन की बात करें वाइटामिन कैप्सूल्स की बात करें स्टेरॉइड्स की बात करें तो बहुत सारे लोग लेते हैं और इंजेक्शंस जो बहुत लोगों में भ्रांति है या फिर ये सही बात है वो आप दूर करेंगे कि इंजेक्शन्स जो लेते हैं अपनी बॉडी बिल्डअप करने के लिए वो कितना सही है या कितना गलत है आ, आप जितना हो सके स्टेयरयड से दूर रहिए अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं प्लीज़ ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं या आपका करियर नहीं है तो प्लीज़ उस चीज़ को आप लॉन्ग टर्म सोच के चलिए अगर आपका कैरियर है आपको कैरियर इसी फील्ड में बनाना है फिटनेस इंडस्ट्री में बनाना है या एक्टिंग इंडस्ट्री में बनाना है तो अलग चीज है लेकिन अगर आपका वो कैरियर नहीं है आप दूसरों को देख के इंस्पायर हो रहे हैं वो 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 सोच रहे हैं भी भी ले रहा है, वो भी ले रहा रहा है है उसको तो कुछ नहीं हुआ चलो मैं ले लेता हूँ तो ऐसा ना करे हर बंदे को जो स्टेराइड्स लेता है कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है वो कभी नहीं बताएगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है वो इस चीज को छुपाने की कोशिश करते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओपन माइंडेड रहिए आप जितना हो सके फिटनेस को शेयर कीजिए यार आज मैंने ये किया आज मैंने ये किया आज, कि, आज, कि, आज मैंने ये खाया मैं ये ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ शर्माइए नहीं मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि छुपाते हैं बिल्कुल छुपाने से होता क्या है कि आ, आपने स्टार्टिंग में तो छुपा दिया फिर छह महीने हो गए सात महीने हो गए आठ महीने हो गए आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है और फिर आप सोचते हो ये जब वो क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच जाती है प्रॉब्लम और फिर आप उसको शेयर करने लायक ही नहीं बचते तो आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है मेरी पे बिल्कुल मत जाइए नेचुरल फिजिक भी बहुत अच्छी बनाई जा सकती है बहुत ही अच्छी और अगर आप कंपीट नहीं कर रहे हैं कोई कंपटीशन नहीं लड़ रहे हैं आपका कोई करियर नहीं है इसके अंदर तो प्लीज आप इस चीज को अवॉइड कीजिए दूसरों को देख फॉलो मत कीजिए बिल्कुल भी बिल्कुल नेचुरल डाइट लीजिए और जो जानकारियाँ दर्शकों को आपने दी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ क्या सही है क्या गलत है हमारे दर्शकों को बताने के लिए तो इलाज का इलाज में आज हम बात कर रहे थे कि फ़िजिकल एक्सरसाइज फिजिकल फिटनेस जिम आपके लिए कितना ज़रूरी है क्या चीज़ें उसमें सही है क्या नहीं है क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है ये सारी जानकारी स्वदेश रजवानी ने आपको दी आप इसे फॉलो कीजिए और फिलहाल इलाज का इलाज कार्यक्रम में इतना ही अगले दिन फिर किसी नए विषय पर मुलाकात होगी तब तक के लिए देखते रहिए भास्कर न्यूज